मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं देश की 137 करोड़ आबादी के बीच में बात करने के लिए आया हूं। मैंने समय समय पर कहा कि भारत में आरएसएस देश की आजादी के समय गोरों की मुखबिरी करने वाला संगठन रहा। दुर्भाग्य की बात है कि आज उसके शाखा भारतीय जनता पार्टी देश पर शासन कर रही है। आप में से कई लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता था। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारे देश में आजादी के 70 वर्ष बाद, 7 दशक बाद, 73 साल हो गए, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स हमारे देश में अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और जो उनकी लगान की व्यवस्था उसके खिलाफ 1895 से और 1900 तक 5 वर्ष तक उल गुलान नामक एक बड़ा आंदोलन करने वाला देश का बड़ा नायक और आदिवासियों का जन नायक वीर बिरसा मुंडा को गृह मंत्री नहीं पहचानता है। एक वो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बजाने के लिए गए और चुनाव का बिगुल बजाते समय वहां चतुर्दी गांव है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक परंपरा होती है, सरकार उनका एक पुतला बना देती है, वहां एक शिकारी का पुतला था और हमारे देश का गृह मंत्री उस पुतले को वीर, आप समझ लीजिएगा, बिरसा मुंडा समझ करके उनका माल्यार्पण करने पहुंचा और पूरी पश्चिम बंगाल की जो भारतीय जनता पार्टी वो शामिल थी। तो अफसोस की बात है कि एक आदिवासियों ने बताया उनको कि भैया ये बिरसा मुंडा नहीं, ये एक ऐसा शिकारी का एक पुतला है। तो पहली बात ये कि यदि भारत के गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा अमित शाह को हमारे देश के नायक और आदिवासियों के जन नायक बिरसा मुंडा का पहचान नहीं है तो यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसे शख्स को एक मिनट भी गृह मंत्री की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और यदि उस नालायक को यह मालूम है कि बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है वो कैसी होती है और जानबूझ करके बिरसा मुंडा का अपमान करने के लिए एक शिकारी की मूर्ति को पहले बिरसा मुंडा की मूर्ति बताना और फिर बिरसा मुंडा की फोटो मंगा करके उस पुतले के पैरों में रखना, ये बिरसा मुंडा का अपमान करने वाले शख्स को एक मिनट भी गृह मंत्री की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। मैं देशवासियों आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके की वीरता बिरसा मुंडा 1975 में 15 नवंबर को जन्मा 20 साल के युवा ने, उसने कहा ये जमींदारी व्यवस्था, जमीन हमारी, जंगल हमारा, जल हमारा, और अंग्रेज कैसे टैक्स ले सकते हैं, अंग्रेज कैसे जमींदार बन सकते हैं। काश बिरसा मुंडा की तरह पूरे भारत के किसानों ने भी और किसान जमींदारों ने भी आंदोलन किया होता तो देश गुलाम ही नहीं होता। लेकिन देश गुलाम करने और देश को गुलाम बनाने और देश की आजादी की जंग में विघ्न डालने वाले संघ परिवार को 70 वर्ष बाद भी हमारे देश के नायक और जन नायकों की न तो पहचान है और पहचान ही नहीं, अपमान भी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमारा देश किस दशा में पहुंच चुका है हमको सोचना पड़ेगा। अभी आपने देखा अन्वय नायक जिसका 83 लाख रुपए अर्णब गोस्वामी पर है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार एक तरफ अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ी है और एक विधवा अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अन्वय नायक की पत्नी अपने पति और सास को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। और दुख और अफसोस की बात है कि संघ परिवार और संघ परिवार की सरकार और संघ परिवार की भाजपा एक बेवा के खिलाफ अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ी है। यह घटना आपको मैं बताना चाह रहा हूं। पहली घटना है हमारे देश के नायक और आदिवासियों के जन नायक अंग्रेजों को छट्टी का दूध याद दिलाने वाले 20 साल के युवा बिरसा मुंडा की पुतले की पहचान, उनकी मूर्ति की पहचान संघ परिवार के गृह मंत्री को नहीं है और अगर है तो जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, यदि सच में अन्वय नायक का 83 लाख रुपए अर्णब गोस्वामी पर बकाया नहीं है तो मोहन भागवत ऐलान करके बताए और गिरफ्तार करे जज, वो जज जिसने मुकदमा को, जिसने वारंट दिया, गिरफ्तारी का आदेश दिया, उस जज को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस थाने में, रायगढ़ थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ, उस थाने के पुलिस को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पर बहुत विचित्र बात है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं
कि हमारे देश के संविधान की प्रति भी संघ परिवार के राज में संसद के सामने जलाई गई और संघ परिवार के राज में ही हमारे संविधान के मुताबिक जो पीड़ित परिवार है वो विधवा अपने पति और सास को न्याय दिलाने के लिए पूरे संघ परिवार के साथ मुकाबले में है। गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री उसके खिलाफ है, भारत के सारे मुख्यमंत्री भाजपा उसके खिलाफ है। ये दूसरी बात मैंने कही, इसका मतलब हुआ हमारे देश की महिलाओं के दुश्मन है, हमारे देश के आदिवासी नायक के दुश्मन है, हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले जन नायक और देश की आजादी के नायक बिरसा मुंडा के दुश्मन है। हमारे देश में यही नहीं, मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, अभी आपको मालूम हो हमारा देश में आजादी के 7 दशक बाद पहली बार कोई नालायक मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा ऐसा शख्स जो दूसरे देशों में जाकर प्रचारक बनता है। प्रचारक, ये प्रचारक बना किसका? भारत में कराया 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए का नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम और वहां कराया हाउडी मोदी 1,40,000 का कार्यक्रम, 1,40,000 करोड़ का कार्यक्रम। निर्धन देश है भारत, भारत में पैसा नहीं है, हम गरीब देश के नागरिक हैं, हम अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए भारत का नालायक प्रधानमंत्री उसका प्रचारक बनता है, 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्च करता है, 1,40,000 करोड़ का खर्चा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बताए मोदी देश को, अरे नालायक तुम किस मुंह से जाओगे अमेरिका, वहां जो बाइडेन बनने वाला है राष्ट्रपति। तो इन नालायकों के राज में हमारी विदेश नीति भी धत्ता बताई जा रही है, विदेशों में भी हमारी नाक कट रही है, देश का खजाना भी लूटा और देश का मान सम्मान भी लूटा और देश की विदेश नीति भी तार तार हुई। इनके राज में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में क्या अन्याय ना इंसाफी होती है? ये बिरसा मुंडा को एक शिकारी के पैरों में रख करके उसका फोटो अपमानित कराया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एक विधवा अपने पति और सास को इंसाफ दिलाने के लिए बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को हाथ में लेकर के और वो न्याय के लिए लड़ रही है और पूरी संघ परिवार और संघ परिवार की सरकार उस बेवा के खिलाफ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे देश के जननायक बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन आने वाला है 15 नवंबर को और 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है भारत में आदिवासियों की। मैं सब आदिवासियों से आग्रह करता हूं और मेरे जैसे विचारों से आग्रह करता हूं, 15 नवंबर को ऐतिहासिक तौर पर हमारे देश के जननायक बिरसा मुंडा का जन्मदिन ऐसे मनाओ कि हजार पीढ़ी तक देश के साथ गद्दारी करने वाले संघ परिवार के वंशज बिरसा मुंडा की मूर्ति और उसका फोटो और उसको याद करना ना भूले। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, मैं महिलाओं से आग्रह करता हूं कि जिसके पति को और सास की आत्महत्या के लिए विवश किया अर्णब गोस्वामी ने, उसके खिलाफ ये पूरी संघ भाजपा परिवार है। मैं सब महिला संगठनों से आग्रह करता हूं कि अन्वय नायक की पत्नी के साथ में, अक्षता नायक के साथ में आप सब लोग भी खड़े हो, ये अपील भी मैं आपके साथ करने के लिए आया। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारत के 137 करोड़ की आबादी से, पूछिए भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे नालायक से, तुम क्या मुंह लेकर के जाओगे अमेरिका? पहले तो इस आदमी को अमेरिका गुजरात दंगों के कारण जाने के लिए परमिट नहीं मिल रहा था और फिर जब प्रधानमंत्री बन गया तो वहां का राष्ट्रपति का चयन कराने लग गया और 1,40,000 करोड़ रुपए हाउडी मोदी पर फुकवा दिया और 125 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप पर फुकवा करके देश को कोरोना में झोंक दिया और तुम्हारा कैंडिडेट तो चुनाव हार गया मोदी, अब तुम इस्तीफा दोगे या मुंह छिपा करके बुरका पहन करके जाओगे अमेरिका? जाना तो पड़ेगा। तो ये सवाल भी मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि विदेश नीति की भी स्थिति क्या हो गई है, देश के आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों का अपमान भी किया जा रहा है और देश में महिला जो सम्मान की लड़ाई लड़ रही है अपने पति और सास को न्याय दिलाने के लिए, उनके खिलाफ पूरी सरकार खड़ी है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा है ना कहने की आजादी और हमारे देश के अंदर संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाए गए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मैं मैदान में रहा हूं, हम लड़े हैं और आज भी लड़ते रहेंगे और हमारे देश में देश के नागरिकों की नागरिकता पर सवाल खड़ा करने के लिए लाया जा रहा सिटीजन अमेंडमेंट के बाद में NRC उसका हम विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अफसोस की बात है, जैनब सिद्दीकी
हमारे साथी कार्यकर्ता, हमने भारत में 65 दिन की संविधान सम्मान यात्रा निकाली, उसके साथ ही उसके घर पर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर गुंडे और पुलिस वाले एक साथ गए। नईम सिद्दीकी उसके पिता को पुलिस कहां उठाकर ले गई पता नहीं है। पुरुष पुलिसकर्मियों ने उसकी बहनों के साथ, मां के साथ मारपीट की। हर नादान भाई को भी पीटा गया, ये अफसोस की बात हो रही है। तो हमारे देश में संसद की चौखट पर संविधान चलाया जाता है और गैर संवैधानिक तरीके से, अरे ना कहने की आजादी है। अगर जैनब सिद्दीकी पर कोई मुकदमा बनता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में ब्लैकमेलर 83 लाख रुपए एक आर्किटेक्ट के हड़प करके हर उस पर उसकी मां को आत्महत्या करा चुका है, उस नालायक के साथ में तुम कहते हो मीडिया पर हमला है। अरे तुम संविधान की पर्ति जलाते हो और संविधान पर हमला करते हो, हमारे विदेश नीति को तबाह करा चुके हो और हमारे देश में देश की आजादी के नायक बिरसा मुंडा का अपमान कर चुके हो। मैं देश के सभी 10 करोड़ आदिवासियों से आग्रह करता हूँ 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक रूप में जन्मदिन मनाया जाए और जब तक गृह मंत्री की कुर्सी पर बिरसा मुंडा का अपमान करने वाले इस नालायक अमित शाह को नहीं हटाया जाता तब तक आप लोग इनका बहिष्कार करके रखे। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, 131 आरक्षित सीटें हैं जिनमें 67 SC और ST के MP आज की तारीख में भाजपा के साथ है। अगर सच में, मैं आप सबकी तरफ से अपील करता हूँ, बिरसा मुंडा के प्रति अगर तुम्हारे मन में SC ST के मन में रत्ती भर भी अगर तुम्हारा सम्मान है, हमारे देश के बाबा साहेब के प्रति अगर तुम्हारा सम्मान है, देश की आजादी के जंग के नायक के प्रति यदि तुम्हारा सम्मान है और देश की बेटियों के प्रति यदि तुम्हारा सम्मान है, लोकतंत्र के प्रति यदि तुम्हारा सम्मान है मन में, तो 67 के 67 MP भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह के बाहर आ जाओ। इनके बाप की ताकत नहीं है ये फिर दोबारा कभी बिरसा मुंडा जैसे नायक को बदनाम करने का साहस कर सके। कभी अन्वय नायक की जो बेबाक संघर्ष कर रही है उसके खिलाफ फौज लगाकर खड़े हो सकते हो, और इनके बाप की ताकत नहीं है कि देश में लोकतंत्र की आजादी, ना कहने की आजादी में खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ घर पर पुलिस पैरा भेज करके मारपीट परिवार के लोगों के साथ करवा सकते हो। ये अपील मैं आपके साथ करने आया हूँ। धन्यवाद।